Hello everyone. So, looking to the doubts of the second quiz on time, speed and distance. In 5 questions ko agar aapne solve kiya hoga to shayad kuch recall kar sakte ho. The questions were more on relative speed. Just as a small recap, I again says relative speed hoti kya hai? Relative speed hai beti this rate or speed at which the gap between two moving objects continuously increases or decreases. Do moving objects ke beech mein jo relative distance hai, वो किस स्पीड पे बढ़ रहा है या कम हो रहा है, दैट इज रिलेटिव स्पीड. एंड वी ऑल प्रोबेबली रिमेंबर्स कि जब हम रिलेटिव स्पीड की बात करते हैं, अगर दो चीजें ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रही होती हैं तो वी ऑलवेज यूज टू ऐड अप द स्पीड्स ऑफ टू. वहीं अगर उनकी डायरेक्शन सेम आ जाए तो हम लोग क्या करते थे बच्चे, उनकी रिलेटिव स्पीड में स्पीड ऑफ फास्टर माइनस द स्पीड ऑफ स्लोअर, दैट वुड बी कॉल्ड एज रिलेटिव स्पीड. कंफर्टेबल? अब फर्स्ट और सेकेंड क्वेश्चन वो लिटिल स्ट्रेट, बहुत ज्यादा टफ नहीं थे. फर्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं द ड्राइवर ऑफ अ कार कैन सी अ बस मूविंग एट अ स्पीड ऑफ 25 किलोमीटर पर आवर. यू कैन सी दैट इज ऑलरेडी गिवन देयर. अब बच्चे उनमें जो इनिशियल डिस्टेंस था वो 100 मीटर्स था, बट आफ्टर 30 सेकेंड्स द कार वॉज 200 मीटर्स अहेड ऑफ अस. तो हुआ क्या, इस एक पॉइंट पे पहले जो थी बेटे वो कार थी, ठीक है, और एक बस है. लेट्स से यहां मान लेते हैं बस है और पीछे कार थी. पहले इनके बीच में जो गैप था वो कितना था, 100 मीटर्स का. थोड़ी देर के बाद बस आगे चली गई. अब कितना आगे गई एक तो वो निकाल सकता हूं, बट दैट वुड बी लिटिल मोर लेंथियर टू मेक इट लुक इजियर. हो क्या रहा है बेटे, पहले ये 100 मीटर्स का गैप था, बाद में बस और कार में बस भी कुछ आगे आ गई, बट कार उससे 200 मीटर्स आगे चली गई. तो इन अ वे पहले कार को बस तक आने के लिए बस से 100 मीटर ज्यादा कवर करने थे, तो पहले 100 मीटर्स का गैप कवर होगा, फिर उसके बाद ही 200 मीटर्स का एक्स्ट्रा गैप क्रिएट होगा. तो इन टर्म्स ऑफ द गैप दैट हैज टू बी क्रिएटेड बिटवीन द टू मूविंग ऑब्जेक्ट्स, कैन इट सेज टोटल हैज टू बी 300. पहले यहां से यहां आने के लिए 100 मीटर्स, फिर 200 मीटर्स एक्स्ट्रा जाना है. मैं बिल्कुल नहीं कह रहा बस अपने पॉइंट पे खड़ी रही है, बस भी मूव कर रही है. रिलेटिव स्पीड हम यूज ही तभी करते हैं जब दोनों मूविंग ऑब्जेक्ट्स हैं. इन अ वे कार को बस से 300 मीटर ज्यादा ट्रेवल करने हैं. अगर बस एक्स ट्रेवल कर रही है तो कार 100 प्लस एक्स प्लस 200 ट्रेवल कर रही है. तो शॉर्टकट क्या होता है, अगर बच्चे मेरे को रिलेटिव स्पीड की बात करूं तो यहां पे जो रिलेटिव स्पीड ऑफ कार एंड बस होगी, कार की स्पीड क्योंकि मिसिंग है मैं उसको एक्स मान रहा हूं, ये बेटे मैंने क्या मान ली, मेरी रिलेटिव स्पीड विच इज इन किलोमीटर पर आवर. परफेक्ट. अब 300 किलोमीटर का गैप चाहिए, तो जो रिलेटिव डिस्टेंस क्रिएट करना है दोनों के बीच में वो 300 मीटर है. क्वेश्चन में बेटे टाइम जो दिया हुआ है दैट इज 30 सेकेंड्स. सो जो रिलेटिव स्पीड होगी वो 300/30, 10 मीटर्स पर सेकेंड है. कंफर्टेबल? क्योंकि बेटे किलोमीटर्स पर आवर में चाहिए, तो मैं क्या कहूंगा, ये x माइनस 25. बेटे जब मैं मीटर पर सेकेंड से किलोमीटर्स पर आवर में आऊंगा तो दैट वुड बी मल्टीप्लाइड बाय 18 × 5, ठीक है. सो दैट वुड टर्न आउट टू बी 36. ये 25 इधर आके ऐड हो जाएगा, 25 + 36, that has to be 61. I hope the point is very clear. Look at the problem. Good enough. ठीक है? So you can refer to it. Good. Moving to the second question. It says in a game of खतरों के खिलाड़ी, any contestant has to run towards a train approaching the contestant. अब बच्चे जो train है वो किसकी तरफ आ रही है, कंटेस्टेंट की तरफ आ रही है, और कंटेस्टेंट ट्रेन की तरफ जा रहे हैं. तो एक चीज क्लियर है पहले कि मेरे पास जो यहां पे डायरेक्शंस होंगी वो ऑपोजिट होंगी. अब कंटेस्टेंट ट्रेन की तरफ कब भागना शुरू होगा, वो कह रहे हैं व्हेन इट इज एग्जैक्टली 250 मीटर्स अवे. तो ये बेटे मेरे पास ट्रेन है और कंटेस्टेंट जो है वो उससे 250 मीटर्स दूर है. कहानी होती है, यू नीड टू अंडरस्टैंड, अदरवाइज कैलकुलेशन नहीं होती है ज्यादातर. अब ट्रेन की स्पीड दी हुई है,
और वो अक्षय जो कंटेस्टेंट है उसकी स्पीड भी दी हुई है, और वो फिर से कह रहे हैं जो ट्रेन है दैट टुक 15 सेकेंड्स टू क्रॉस। अब बच्चे एक चीज़ को समझो, सबसे पहले तो बात ट्रेन की जो स्पीड है और अक्षय दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, क्योंकि अक्षय ने ट्रेन को क्रॉस करना है तो बेटे द टोटल डिस्टेंस इन दिस केस हैज टू बी द इनिशियल डिस्टेंस बिटवीन देम प्लस द लेंथ ऑफ ट्रेन। अगर मैं कहता अक्षय हैज टू गो एंड मीट द ट्रेन देन ही हैज टू कवर ओनली 250 मीटर्स, बट इफ ही हैज टू क्रॉस द ट्रेन द डिस्टेंस टू बी कवर्ड इज 250 प्लस एक्स। कंफर्टेबल है? अब जब दो मूविंग ऑब्जेक्ट्स हैं और एक दूसरे को क्रॉस करना है या मिलना है तो हम उनकी रिलेटिव स्पीड यूज करेंगे। यहां पे बेटे जो रिलेटिव स्पीड है दैट वुड बी 60 प्लस 12, दैट इज 72। बट बेटे फिर से क्योंकि ये किलोमीटर्स पर आवर में है और ये डिस्टेंस मीटर्स में है, टाइम सेकेंड्स में है, तो मैं इसको किस में कन्वर्ट कर लूंगा, मीटर्स पर सेकेंड। सो फॉर मी दिस इज 20 मीटर्स पर सेकेंड। अब बच्चे जो डिस्टेंस होता है दैट डिस्टेंस हैज टू बी स्पीड इनटू टाइम, सो दिस रिलेटिव डिस्टेंस हैज टू बी कवर्ड एट अ स्पीड ऑफ 20 इन 15 सेकेंड्स। इजी जॉब, 250 प्लस x इज 300, सो दैट वुड गिव मी x एज 50 मीटर्स, दिस रिप्रेजेंट्स द लेंथ ऑफ द ट्रेन। इजी जॉब, ठीक है, सिर्फ वो छोटी सी कहानी डाली हुई थी, अदरवाइज द जॉब वॉज वेरी स्ट्रेट। कंफर्टेबल? आई होप यू कैन रेफर टू द स्टेटमेंट एंड अंडरस्टैंड द आइडिया। गुड, थर्ड क्वेश्चन। अब बच्चे वो कह रहे हैं कि दो ट्रेन थी, दोनों ट्रेन की स्पीड दी हुई है 120 एंड 150, एंड द लेफ्ट द बीजिंग रेलवे स्टेशन। बीजिंग इज डेफिनेटली द कैपिटल ऑफ चाइना, और दोनों सेम टाइम पे चलती हैं और सेम डायरेक्शन में जा रही हैं। 30 मिनट्स लेटर, हाफ आवर के बाद एक और ट्रेन बीजिंग को से निकलती है इन द सेम डायरेक्शन एज द प्रीवियस टू, एंड देन द थर्ड ट्रेन हैज टू क्रॉस द फर्स्ट एंड द सेकेंड ट्रेन। तो पहले लॉजिक समझते हैं, जब भी ऐसे क्वेश्चन होते हैं व्हेन इट सेज दो टू ट्रेन्स लेफ्ट द बीजिंग रेलवे स्टेशन, सपोज ये बीजिंग का स्टेशन है, ठीक है, अब यहां से जब पहली ट्रेन निकली उस ट्रेन की जो स्पीड थी बेटे दैट वाज 120 किलोमीटर पर आवर। अब यहां से जब ट्रेन थ्री आ रही होगी ये 30 मिनट्स लेट स्टार्ट हुई है, हाफ एन आवर। हाफ एन आवर में द फर्स्ट ट्रेन वुड हैव कवर्ड हाफ इनटू 120, दैट इज 60 किलोमीटर। अगर सिर्फ ट्रेन थ्री ने ट्रेन वन को कैच करना होता तो हम क्या करते बेटे, द टाइम टेकन फॉर द थर्ड ट्रेन टू कैच अप ट्रेन वन वुड बी द गैप बिटवीन देम। 30 मिनट्स के बाद जब ये ट्रेन स्टार्ट होती है तब इनके बीच में कितना गैप है, 60, नीड्स टू बी डिवाइडेड बाय देयर रिलेटिव स्पीड। अब ट्रेन थ्री की स्पीड क्योंकि दी नहीं हुई है तो मैं इसकी स्पीड को क्या मान रहा हूं, एस। कंफर्टेबल है? ये मुझे निकालनी थी क्योंकि दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं तो रिलेटिव स्पीड उनका डिफरेंस हो जाएगी। सो टाइम टेकन फॉर ट्रेन थ्री टू कैच अप ट्रेन वन वुड बी समथिंग लाइक दिस। आई होप ये पॉइंट क्लियर है। श्योर? उसी लॉजिक से ट्रेन टू की बात अगर कर रहा हूं, जितनी देर बाद ट्रेन वन थ्री स्टार्ट होती है, ट्रेन थ्री जब यहां से आगे की तरफ मूव करती है उतनी देर में ट्रेन टू वुड हैव कवर्ड 30 मिनट्स में 75 किलोमीटर। इस ट्रेन को पकड़ने के लिए कितना टाइम लगेगा, दैट हैज टू बी 75 अगेन अपॉन रिलेटिव स्पीड। कंफर्टेबल? अब बस इतना कहा हुआ है, इट क्रॉस द फास्टर ट्रेन एन आर एंड ए हाफ, मतलब 1.5 आवर्स आफ्टर इट क्रॉस द स्लोअर वन। तो ये जो टाइम है ये इससे 1.5 घंटा लेट है। तो हम सिर्फ इक्वेशन क्या बनाएंगे, इसका जो टाइम है That has to be this time plus 1.5 hours। ठीक है, टाइम का डिफरेंस दिया हुआ है ना, इसका जो टाइम है वो इसके टाइम से 1.5 घंटा ज्यादा है।
आफ्टर 1.5 आवर्स है. कंफर्टेबल? अब दो तरीके हैं. एक तो बच्चे इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर सकते हो, वुड नॉट बी अ वेरी टफ जॉब. बट सिर्फ क्या होता है बेटे, जब डिनोमिनेटर में वेरिएबल्स हों तो ये क्वाड्रेटिक दे देती है, कैलकुलेशन मुश्किल लगती है. तो इस केस में मेरा सुजेशन रहता है हमेशा, अगर डिनोमिनेटर में वेरिएबल्स हों और आपको लग रहा है कैलकुलेशन मुश्किल हो रही है, तो ऑलवेज गो एंड ट्राई ऑप्शंस, वुड ऑलवेज बी एन ईजियर जॉब. ऑप्शंस कैसे ट्राई कर सकता हूँ, देखो अगर मैं 180 डाल के देखूँ, मैं पहली ऑप्शन 180 सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ, तो ये क्या हो जाएगा 75/30, ये क्या बन जाएगा बेटे 60/60. 75/30 वुड बी 2.5, दिस इज 1 1 प्लस 1.5 2.5, दोनों इक्वल आ गए, सो ऑब्वियसली दिस इज दी वैलिड ऑप्शन. इजी हो गया? कई बार पहली ऑप्शन नहीं है, 200 डाल के देख लेना, 200 डाल के देखोगे तो बेटे 75/50 1.5 आ जाएगा, वो ऑब्वियसली इसके इक्वल नहीं आएगा, ये तो बेटे 60/80 डिफरेंस 1.5 नहीं होगा. अगला 100 है, ये हो ही नहीं सकता बेटे, वो नेगेटिव में हो जाएगा, वो पॉसिबल नहीं है. 130 भी पॉसिबल नहीं है क्योंकि ये नेगेटिव में हो जाएगा. तो फास्टर ट्रेन है, जो थर्ड ट्रेन है उसकी स्पीड 120 और 150 से तो ज़्यादा ही होनी चाहिए थी. ठीक है, सो ऑप्शन सी और डी तो वैसे ही आउटराइट रिजेक्ट हो जाएंगी. कंफर्टेबल विद द आइडिया? गुड इनफ, ग्रेट. फोर्थ क्वेश्चन, इरेज कर रहा हूँ इसको. अच्छा बच्चा देखो फोर्थ क्वेश्चन क्या है, कहानी डाली हुई है. एक हिमांशु था, वो अमृतसर से चलता है 6 बजे, 50 की स्पीड से जाता है एंड रीच चंडीगढ़, बट उसने रास्ते में कहीं ब्रेक ली थी हवेली पे. अब एक कंसेप्ट को समझा रहा हूं यहां पे. हम नॉर्मली ऐसे क्वेश्चंस करते हैं कि एक कार अमृतसर से चली, दूसरी कार चंडीगढ़ से चलती है और रास्ते में कहीं मिलते हैं. दैट इज अ नॉर्मल क्वेश्चन दैट वी आर डूइंग. बच्चे अब एक चीज को समझ लो, कंफ्यूज करने के सिर्फ ये दिया हुआ है, एक ही दिन दो अलग अलग मूविंग ऑब्जेक्ट्स ऑपोजिट डायरेक्शन से चल के एक पॉइंट पे मीट कर रहे हैं, या फिर एक ही चीज दो अलग अलग दिन चल रही है और मीटिंग पॉइंट निकालना है. वैसा कौन सा पॉइंट है जब दोनों कार्स सेम पॉइंट पे मिलेंगी, सेम पॉइंट से क्रॉस करेंगी? द क्वेश्चन इज एंटायरली सेम. सो आई एम सेइंग अगेन, एक ही कार दो अलग अलग दिन कैसे चल रही है, या फिर दो अलग अलग गाड़ियां एक ही दिन चल रही हैं, दैट पॉइंट ऑफ क्रॉसिंग वुड रिमेन सेम, वुड नॉट मेक अ डिफरेंस. सो दिस इज ओनली टू कंफ्यूज यू, जो कहानी डाली हुई थी. हम नॉर्मल क्वेश्चन की तरह इसको सॉल्व करेंगे कि पहली कार अमृतसर से 6 o'clock चल रही है और उसकी स्पीड 50 km/h है, दूसरी कार चंडीगढ़ से 7 AM पे चल रही है और उसकी जो स्पीड है वो 60 km/h है, एंड दे आर हेडिंग टूवर्ड्स ईच अदर. दोनों दिन जिस ऐसा पॉइंट जहां पर वो सेम टाइम पे पहुंचेंगे, वो उनका वही नॉर्मल मीटिंग पॉइंट ऑफ टू डिफरेंट कार्स मूविंग ऑन द सेम डे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा. श्योर? अब मैं इसको कैसे करूंगा, क्योंकि ये कार 6 o'clock चली और ये 7 o'clock चली, तो 1 hour में दिस कार वुड हैव कवर्ड 50 km, टिल 7 o'clock ये कितना कवर कर लेगी 50 km. अब इसके बाद जो डिस्टेंस लेफ्ट होगा दोनों के बीच में, दैट हैज टू बी व्हाट 220. 270 वॉज द टोटल डिस्टेंस, सो द रिमेनिंग डिस्टेंस हैज टू बी 220. दिस 220 नाउ हैज टू बी कवर्ड एट अ रिलेटिव स्पीड. Relative speed would be 50 plus 60, 110. So time of meeting has to be 2 hours after 7. So at what time would they reach Haveli or what time will they meet has to be 9. I hope the point is very clear. Sirf confuse karne ke liye kahani banayi hui thi. Otherwise, this is a very traditional question jo hum relative speed mein karte aaye hain. Ek car pehle chal rahi hai, dusri baad mein chal rahi hai. Ek ghante mein kitna travel karegi? रिमेनिंग डिस्टेंस कितना है, उस रिमेनिंग डिस्टेंस को मैं रिलेटिव स्पीड से डिवाइड कर दूंगा. इजी जॉब, गुड इनफ. फिफ्थ क्वेश्चन नाउ. फिफ्थ क्वेश्चन की अगर आप स्टेटमेंट्स को ध्यान से देखो, वहां पे दी हुई है साथ में,
ये क्वेश्चन कुछ फिर से वैसा है बेटे, जहां पर टाइम रेफरेंसेज हैं, स्पीड और डिस्टेंसेज मिसिंग है। तो एक चीज बहुत क्लियरली समझा दी गई है, जहां पर भी टाइम एंड वर्क या टाइम स्पीड डिस्टेंस का क्वेश्चन होता है, जहां सिर्फ टोटल टाइम दिया हो, टू मेक माई कैलकुलेशन लुक लिटिल मोर सिंपलर, हम हमेशा टोटल टाइम का एलसीएम ले लेते हैं एंड वी एज्यूम इट टू बी द टोटल डिस्टेंस टू बी कवर्ड। मैं फिर से क्वेश्चन को समझा रहा हूं। दो कार्स हैं, दोनों कार्स बेटे आगरा से चल रही हैं एंड बोथ ऑफ देम आर हेडिंग टूवर्ड्स भोपाल। अब जो कार वन है, इट स्टार्टेड एट 7 AM एंड रीच्ड भोपाल एट 5 PM। व्हाट डज दैट मीन्स? कार वन जो है इसको टोटल बेटे 10 hours लगे थे, वहीं पे कार टू जो है इट स्टार्टेड एट 8:30 AM एंड रीच्ड एट 4 PM। सो 8:30 टिल अगर मैं 4 जाऊंगा, दैट वुड गिव मी अ टोटल ऑफ 7.5 hours। कंफर्टेबल? सो यहां पे मेरे पास जो टोटल टाइम आ गया वो 7.5 hours आ गए। इतनी बात क्लियर है? ठीक है। अब बच्चा वो मुझे क्या कह रहा है, दोनों कार्स ने विजयपुर पे क्रॉस करने, फिर से टोटल क्योंकि टाइम दिया हुआ है, तो मेरा पहला काम क्या है, एलसीएम ऑफ 10 and 7.5। बेटे ये मेरे पास 30 आ जाएगा, 7.5 को 15/2 ले लो, एलसीएम ऑफ न्यूमिरेटर्स डिवाइडेड बाय एचसीएफ ऑफ डिनोमिनेटर्स। फाइन, तो मैं क्या एज्यूम कर रहा हूं कि आगरा और भोपाल में जो टोटल डिस्टेंस है वो 30 किलोमीटर है। आप इसे 30x मान सकते हो, इट्स एन एज्यूम फिगर, नॉट द एक्चुअल फिगर। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली, पहली कार को 30 किलोमीटर ट्रेवल करने के लिए 10 hours लगते हैं, दैट मीन्स इसकी जो स्पीड है वो 3 किलोमीटर पर आवर है, और इसकी 30/7.5 द स्पीड हैज टू बी 4 किलोमीटर पर आवर। कंफर्टेबल? सो टोटल डिस्टेंस अगर 30 है, सो इसको 3 किलोमीटर पर आवर स्पीड हो गई, इसको 7.5 hours लगे, स्पीड हैज टू बी 4 किलोमीटर पर आवर। नाउ इट्स अ ट्रेडिशनल क्वेश्चन, दिस कार स्टार्टेड एट 7, दिस कार स्टार्टेड एट 8:30। तो पहले बेटे आगरा से जब कार वन मूव करेगी, वो इस 1.5 hours में कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर लेगी, हैज टू बी 4.5 किलोमीटर। अब कार टू जो है वो जब आगरा खड़ी थी, कार वन ऑलरेडी 4.5 किलोमीटर ट्रेवल कर चुकी है। दोनों कार्स को सेम डायरेक्शन में मूव करना है, सो टाइम ऑफ मीटिंग हैज टू बी 4.5 डिवाइडेड बाय रिलेटिव स्पीड, इन दिस केस इज 1, सो द टाइम हैज टू बी 4.5 hours। सो कार टू को मीटिंग पॉइंट तक पहुंचने के लिए कितना टाइम लगेगा, 4.5 hours। दैट मीन्स द डिस्टेंस, क्योंकि हमसे रेशियो ऑफ डिस्टेंस पूछा हुआ है, तो कार टू ने आगरा से मीटिंग पॉइंट, विच इन द क्वेश्चन इज गिवन एज विजयपुर, कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा, वुड बी 4.5 × 4। यहां से जब स्टार्ट होती है, इसको कार वन को पकड़ने के लिए 4.5 hours लग रहे हैं, तो उतनी देर में इसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया होगा, 18। कंफर्टेबल? दैट मींस आगरा से विजयपुर का जो डिस्टेंस है, दैट हैज टू बी 18 किलोमीटर। सो रिमेनिंग विजयपुर टू भोपाल हैज टू बी 12 किलोमीटर। कंफर्टेबल? यही तो पूछा हुआ बेटे, रेशियो ऑफ द डिस्टेंस ऑफ आगरा टू विजयपुर एंड विजयपुर टू भोपाल। तो बेटा द आंसर हैज टू बी 18:12, दैट हैज टू बी 3:2। आई होप द डाउट्स आर क्लियर। ठीक है, आई हैव गिवन यू द आंसर की ऑफ ऑल द 5 questions एट द एंड, कैन रेफर टू इट। स्टिल एनी डाउट्स, कीप पोस्टिंग योर डाउट्स। थैंक यू सो मच फॉर द डे।